हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आपको लेके चलता हूँ काजर टू मनाली रोड जर्नी पर। मोस्ट डेंजरस रोड है काजर टू मनाली का। 75% रोड आपके है ही नहीं, ऑफ रोडिंग है टोटल। तो मेरे साथ करिए एक्साइटेड जर्नी काजर टू मनाली। ये है काजा का एकमात्र पेट्रोल पंप जो 6 बजे मॉर्निंग ओपन होता है। तो पेट्रोल फिल करवा लिया है टैंक में फुल, और ये दिख रहा है स्पीति रिवर के बगल में काजा टाउन का खूबसूरत नज़ारा। काजा टाउन से मनाली का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। काजा से मनाली जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक पुराना रास्ता काजा रांगरिक हॉल होते हुए काइटो लोसार होते हुए मनाली की तरफ, और दूसरा नया रास्ता भी बना है कुछ साल पहले, काजा की विलेज किप्पर चीचम ब्रिज काइटो होते हुए मनाली की तरफ। तो आज चलते हैं की विलेज किप्पर और चीचम होते हुए। ये सामने जो ब्रिज दिख रहा है इससे लेफ्ट लेंगे तो काजा तो मनाली का ओल्ड रूट है, और ये जो सीधा रास्ता है स्ट्रेट जाता है की विलेज किप्पर चीचम होते हुए मनाली की तरफ। तो चलते हैं पहले की विलेज की तरफ। की विलेज का डिस्टेंस यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। रोड ठीक ठाक है, उतना स्मूथ नहीं है। पुराना रोड जो है काजा टू मनाली का ओल्ड रूट वो ज़्यादा अच्छा है। ये भी ठीक है, ये सामने दिखाई दे रहा है कि विलेज की विलेज से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर की मॉनेस्ट्री भी है। तो ये खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है की विलेज का, और ये रास्ता जाता है मॉनेस्ट्री की तरफ। ये है किब्बर विलेज का एंट्रेंस, और सामने पहाड़ के नीचे गोद में दिख रहा है वो है चीचम गांव, और हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं किब्बर विलेज। तो ये है किब्बर विलेज काजा टाउन के पास का। किब्बर विलेज होते हुए गांव के अंदर से ही रास्ता गुजरता है चीचम ब्रिज वाले रास्ते की तरफ। तो ये नया रास्ता बना है 2017 में। काजा से मनाली जाते हुए किब्बर चीचम रूट से कुछ इस तरह के सुंदर व्यू आपको दिखाई देंगे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है आपका इधर का। और सामने दिखाई दे रहा है दूर उस तरफ चीचम ब्रिज है, एशिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बना हुआ ब्रिज है ये। इस रूट से मनाली जाने पर लैंडस्केप बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है कंपेयर टू ओल्ड काजा मनाली रूट से। इस रास्ते पर चीचम ब्रिज एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है जो 13,596 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। ये चीचम ब्रिज कनेक्ट करता है किब्बर विलेज और चीचम विलेज को। इसे बनने में लगभग 15 साल लगे और कॉस्ट 4,85,00,000 रुपये समथिंग खर्च हुआ, और 2017 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। काजा किब्बर चीचम रोड ज़्यादा एडवेंचरस है कंपेयर टू ओल्ड काजा मनाली रूट जो रांगरिक होकर जाती है। तो ये बहुत पॉपुलर ब्रिज है, और मैक्सिमम लोग जो
काजा टू मनाली जाते हैं बाइकर्स या कार से, वो चीचम ब्रिज होते हुए ही मनाली के लिए जाते हैं। चीचम ब्रिज बनने से किब्बर विलेज और लोसार विलेज की दूरी 40 किलोमीटर कम हो गई। ये नया रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसलिए रोड बहुत अच्छे कंडीशन में है और यहाँ पर बाइक थर्ड गियर और फोर्थ गियर में भी स्मूथली चलती है। ये खूबसूरत व्यू दिख रहा है स्पीति वैली का चीचम टू काइटो जाते हुए। चीचम से काइटो की दूरी 19 किलोमीटर के लगभग है। रास्ता अच्छा है, बढ़िया है, स्मूथ है। चीचम से काइटो जाते हुए एक दो छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इजीली क्रॉस कर सकते हैं। और रास्ते का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है चीचम टू काइटो वाले रूट पर। और ये है काइटो विलेज के नज़ारे काइटो से लोसार विलेज की तरफ, जिसकी दूरी 18 किलोमीटर है। जो पुराना रास्ता है काजा टू लोसार का रांगरिक होते हुए, ऐसा ही स्मूथ और बढ़िया रास्ता है कंपेयर टू काजा चीचम लोसार रूट। इस रूट पर 100cc की बाइक स्प्लेंडर प्लस 40 से 50 की स्पीड पर आराम से फोर्थ गियर पर चला सकते हो और राइड को एंजॉय भी कर सकते हो। ये स्मूथ रास्ता लोसार विलेज तक ही है, वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लोसार विलेज से फिर मनाली की तरफ ग्रम्फू तक टोटल ऑफ रोड है। तो यहीं तक अच्छे रास्ते हैं, उसके बाद उस ऑफ रोड पर गाड़ी पहले और मैक्सिमम दूसरे गियर पर ही चलती है। ये है काजा टू मनाली हाईवे पर लोसार विलेज। इसके बाद कुंजुम पास की चढ़ाई स्टार्ट होती है और कुछ कुछ इस तरह का दिखता है आपका लोसार विलेज। नीचे मटर की खेती हो रखी है और कुछ कुछ कल्टीवेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक ठाक आबादी वाला बड़ा सा गांव है आपका ये लोसार, और बेसिक फैसिलिटी सब कुछ है, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, तो कुल मिला के अच्छा खासा बड़ा विलेज है। कुंजुम पास के पहले काजस टू मनाली जाओगे तो रास्ते में आता है आपका ये विलेज। ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, बर्फगिरी है, नीला आसमान है और सामने की तरफ ब्राउनिश पहाड़ हैं, इधर भी ब्राउनिश पत्थर वाली पहाड़ है और मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल है आपका इस विलेज में। और घड़े घर जो है सब मड हाउस टाइप की है इस विलेज का घर, तो कुल मिला के अच्छा खासा बड़ा विलेज है। और सामने खेती हो रखी है, जौ लगे हैं ये, तो समर के टाइम में जौ की खेती होती है। ये है होम स्टे, तो इस विलेज में आप स्टे कर सकते हो, साथ में खाने के लिए ढाबे भी है साथ में,
खाना भी खा सकते हो आप नुसार विलेज में। तो बेसिक फैसिलिटी है यहाँ पर खाने पीने का और स्टे करने का। तो ज़्यादातर लोग जो मनाली टू काजा जाते हैं स्टे करते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग खाना खाते हैं और कुछ कम ही लोग स्टे करते हैं इस विलेज में आपका।